तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो कमल, जिस तरह से पहले ये बात सामने आ रही थी कि आखिर कारण क्या है इतनी बड़ी हार का, अब कहा जा रहा है यूपी में जो भीतर घात हुआ है उसका ये बड़ा कारण है जिससे इतनी बड़ी हार बीजेपी को मिली है। जब भी बीजेपी की जब बात कर रहे थे राम मंदिर बनवाने के बाद, उनको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, शायद वो 80 का आंकड़ा भी छूगा क्लीन स्वीप कर दो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है वो बीजेपी के लिए शॉकिंग रहा है, जिसके बाद तमाम समीक्षाएं की जा रही है। हालांकि किसी भी राज्य में बात हार के बाद पार्टियां समीक्षाएं करती हैं, उसके बाद इस्तीफे का दौर भी चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए अहम इसलिए था क्योंकि जो बीजेपी अभी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अहम योगदान निभाता है। और खास करके अयोध्या की सीट, अयोध्या से उनको खासी उम्मीदें थी क्योंकि राम मंदिर बनवाया गया था, और उसके बाद जब अयोध्या की सीट वो हार जाते हैं तो इस पर समीक्षा करते हैं, तमाम तरह की समीक्षाएं हो रही है। बातें अब निकल के आ रही है कि जो उनके क्षेत्रीय क्षेत्र के जो नेता थे यानी जो कैंडिडेट थे उनकी वजह से और कुछ भीतर घात की वजह से पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेके अब समीक्षा बैठक होगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, आला कमान को इनपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद इससे कार्रवाई भी देखने को मिलेगी और कुछ समय बाद इस्तीफों का दौर भी शायद उत्तर प्रदेश में देखने को मिले आपको। जी कमल, लेकिन ये कैसे पता चला कि भीतर घात हुआ है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, हालांकि ये खबर भी सामने आई थी, जो हमारे विश्लेषक थे उन्होंने भी ये कहा था एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सिटिंग जो एमपी थे, कई सिटिंग एमपी को हटाया गया, नए चेहरों को लाया गया, उनको टिकट दिया गया, जिससे जनता भी नाराज थी और उनके नेता लोग भी नाराज थे, क्योंकि इतने साल तक जब जमीनी तौर पर उन्होंने काम किया और अचानक से उनका टिकट काट दिया गया, तो बीजेपी के एक बड़े खेमे में इसकी नाराजगी थी। लेकिन कारणों का पता कैसे चला, क्योंकि अब कहा जा रहा है आत्मघात किया गया है, ये सब अब भीतर घात किया गया है, माफ कीजिएगा, तो ये सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही है, कैसे लगता है बीजेपी को ये सब? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा खेमा बीजेपी के अंदर था जो बीजेपी को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी पुख्ते तौर पर इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही बताई जा रही है कि वो बीजेपी को ही भीतर घात कमजोर कर रहा था, जिसको लेके बीजेपी आला कमान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष है वो लोग एक्टिव हो गए हैं, समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और जो भीतर घात करने वाले लोग थे उनको चिन्हित करने का काम किया। कमल, अपने ही लोग थे जिन्होंने ये चाकू घोपने का काम किया है पीठ पीछे, या फिर गठबंधन के नेता, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर भी? लेकिन बेटा इसमें अपने लोगों के साथ साथ कुछ उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट थे इनके, जो उम्मीदवार थे, सांसद थे, उनकी बहुत सारी गलतियां भी ऐसी रही, क्योंकि कई बार क्षेत्र ऐसा पता चला कि वो उस जगह पे जाके अपने ग्राउंड पे उन्होंने काम बहुत कम किया है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बिल्कुल कमल, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जनता के बीच में सांसदों को लेकर भी काफी नाराजगी थी, क्योंकि जिस तरह से विकास का काम नहीं हुआ था वहां पर, और लगातार जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज ये भी गया था, गलत मैसेज बीजेपी को लेकर यह गया था कि काम नहीं किया जा रहा है जमीनी तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बबीता, जमीनी तौर पे काम न करना, और दूसरा ये था कि जो उनके उम्मीदवार थे, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, कई जगहों से ऐसी खबरें आए कि वोट मांगने तक नहीं गए हैं या क्षेत्र में प्रचार करने तक नहीं गए हैं, वो इस उम्मीद में बैठ गए थे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पर उदाहरण हो जाता है संजीव बालियान का, अगर देखा जाए मुजफ्फरनगर से, क्योंकि बड़ी हार उन्हें भी मिली है, वो खुद ही कह रहे थे हमें वोट की जरूरत नहीं है जनता की, एक ओवर कॉन्फिडेंस उनका भी दिखाई दे रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस ही था, बीजेपी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है कि जो उनके सांसद हैं वो लोगों के बीच में कम गए हैं, लोगों की सुनी कम गई है, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद टिकट वितरण को लेके और फिर बाद में एक राजपूत समाज का बीजेपी से खफा हो जाना, ये तमाम फैक्टर रहे हैं, लेकिन इन सब में अखिलेश यादव की जो रणनीति रही है वो भी एक अहम रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो एम वाई समीकरण था इस बार उन्होंने वाई से ज्यादा एम पे काम किया है। बबीता, आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने यानी सपा ने जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं ज्यादातर वो जीते हैं,
तो खास करके उन्होंने जो एम समीकरण था उस पर ज्यादा ध्यान दिया। आप ध्यान दीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर यादवों को टिकट अखिलेश यादव ने बहुत कम दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ वही यादवों को टिकट दिया है जो उनके परिवार के लोग हैं, बाकी लोगों पे उन्होंने अच्छे से काम किया है, जातीय समीकरण पे काम किया है, आरक्षण को मुद्दा बनाया है, संविधान को मुद्दा बनाया है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीति भी बहुत अच्छी रही है इसमें। अगर आपको बताएं हम कि अयोध्या की बात कर ले, अयोध्या की सीट बीजेपी हारती है, लेकिन संविधान का जो मुद्दा कांग्रेस और इंडिया अलायंस बना के चल रही थी उसके सूत्रधार भी जो बीजेपी के कैंडिडेट अयोध्या से थे, ललू सिंह वो थे, उन्होंने ही पहली बार ये बात कही थी कि हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए ताकि अगर संविधान बदलने की जरूरत पड़े तो हम वो भी कर सके, जिसके बाद बीजेपी इंडिया अलायंस ने इसको मुद्दा बना लिया था। और इसका बीजेपी के नेताओं ने अपने पैरों पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कि जिस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया उसके बाद जिस तरह के बयान सामने आए वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ गए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।